दर्द का रिश्ता होता है। तुझे तो पता ही होगा ना, लेकिन अब हमें भी पता है कि माँ जी को लेके जाने वाला वहां से चंदन ही है। और फिर वहां से उसने माँ जी को बाकेलाल के हवाले कर दिया होगा। आप लोगों को क्या लगता है बुआ, कि सच छुपा रह सकता है? ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? वही कह रही हूँ जो सच है। आप लोग इस सच को क्यों छुपाना चाहते हैं बुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कि हर बार बाजी बाकेलाल के हाथ की लगेगी? और हम भी तो खामोश इसीलिए हैं क्योंकि हमारी माँ मुकुंद प्रसाद और बाकेलाल के कब्जे में है। और मुकुंद प्रसाद इस बात को अच्छी तरह से जानता है भाई साहब। वो जानता है कि अगर कभी मेरी माँ के साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो गया तो मैं मुकुंद प्रसाद और बाकेलाल को उसी दिन जिंदा दफना दूंगा। मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि उसके बाद कानून मुझे क्या सजा देगा। नहीं केदार, ये बात अपने दिमाग में भी मत लाना। और गुस्सा तो बिल्कुल मत करना। हमने अपनी मां को तो खो दिया है, लेकिन अब मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। नहीं भाई साहब, ये सब क्या सोच रहे हैं आप लोग? माँ जी जरूर वापस आएंगी, मेरा दिल कहता है माँ जी जरूर वापस आएंगी, उन्हें आना ही होगा। हाँ पापा, मुकुंद प्रसाद को इस कदर मजबूर कर दूंगा मैं कि वो खुद दादी माँ को लेकर यहां आएगा। आ गए आप? अब ये मत पूछ बैठना कि दादी माँ का पता चला या नहीं। और ये मोबाइल माँ का तुम्हारे पास कैसे है? चाची जी ने दिया था, ये जानने के बाद कि चंदन भैया दादी माँ को लेकर गए, पूछने के लिए कि दादी माँ इस वक्त कहाँ है। ओह कमाल है, क्या चाची को ये नहीं मालूम है कि तुम सब मिले हुए हो? और तुम्हें मोबाइल देकर तो तुम्हारी असमंजस दूर कर दी। तुमने फोन करके पूछा होगा और तुम्हें पता चला होगा कि दादी माँ हम लोग के हाथ नहीं लगी, और तुम निश्चिंत हो गई होगी कि बात बिगड़ते बिगड़ते रह गई। ठीक कह रहा हूं ना मैं? सरासर गलत, गलत कह रहे हैं आप। आपको मेरे ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं है? किस बात का यकीन करूं तुम पर, किस बात का? अब मैं या इस परिवार का कोई भी तुम पर यकीन कर कर धोखा नहीं खाना चाहता है। कम से कम आप इतना तो सोचिए, अगर वो गलत है तो मैं उनका साथ क्यों दूंगी? वो मेरे पिता नहीं है, फूफा जी है। और ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है। मैं इस घर को छोड़ के उन लोगों का साथ क्यों दूंगी? चलो तुमने इतना तो माना कि तुम्हारे फूफा जी धोखेबाज, बेईमान और गद्दार है,
लेकिन तुम अब ये मत समझ लेना कि उस घर से रिश्ता तोड़कर तुम इस घर में जगह बना पाओगी। एक बात अच्छी तरह समझ लो, जब तक इस घर में दादी माँ वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हटूंगा। तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम अपनी तकदीर पर रोओगी। क्या कर लेंगे आप, कितने जुल्म करेंगे मेरे ऊपर? मैं कल भी अपनी सच्चाई पर थी, आज भी अपनी सच्चाई पर हूं और कल भी अपने सच्चाई पर रहूंगी। यही सच्चाई तुम्हें ले डूबेगी। खून के आंसू रुलाऊंगा तुम्हें, अपने अधिकार और अपनी खुशियों को तिल तिल कर टूटते और मिटते देखूंगा तुम्हें, और देखूंगा तुम्हारे वो रिश्तेदार मुकुंद प्रसाद और चंदन कब तक नहीं टूटते। मैं देखूंगा। वैभव, मेरी बात सुनिए, वैभव मेरे पे यकीन कीजिए। अरे नैना, केदारनाथ, अमरनाथ और वैभव तीनों गए थे हरिद्वार की धूप खाने, हरिद्वार की कड़क धूप खाने, और खाकर वापस भी आ गए, माता जी को ढूंढने गए थे। सोचा होगा कि जाते ही माता जी तो उन्हें मिल जाएगी और फिर वो बांके लाल को सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने हिसाब से मैं तो डर रही थी कि कहीं आपके जाने से पहले वो लोग वहां ना पहुंचे और हमारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाए। नहीं नहीं नैना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही मैं हरिद्वार पहुंचता हूँ वैसे ही गंगा मैया की कृपा मुझ पर शुरू हो जाती है, और वैसा ही हुआ, कृपा शुरू हो गई। अगर कृपा ना हुई होती तो उनकी गाड़ी कैसे खराब होती और मैं उनसे पहले कैसे हरिद्वार पहुंचता अपने हिसाब से। दरअसल मैं ये तो नहीं जानती कि गंगा मैया आपसे खुश है या नहीं, पर इतना जरूर है कि गंगा मैया उन लोगों से रुष्ट है जिन्होंने अपनी गंगा मैया को गंगा के घाट पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अरे वाह नैना वाह, बड़ी कायदे की बात की है। इस पर तो सोचना पड़ेगा अपने हिसाब से। खैर अब ये तो बताइए, आपने माता जी को रखा कहाँ है? ओहो नैना, बस तुम इतना समझ लो के सही समय पर सही सही मदद की है मेरी वकील साहब ने, वरना वो बुढ़िया तो चंदन के हाथ लगी गई थी। उनकी मदद से आज वो बुढ़िया मेरे कब्जे में है। वकील साहब ने मुझे एक बहुत काम के आदमी से मिलवा दिया है। अच्छा, और इसीलिए मैं वकील साहब से बहुत खुश भी हूँ। 2-5-10 हजार रुपए तो इनाम में उन्हें मैं दे ही दूंगा अपने हिसाब से। देखिए, मेरे पूछने का मतलब बस इतना ही था कि जब तक वो जमीन हमारे हाथ में नहीं आ जाती तब तक माता जी इन लोगों के हाथ में तो नहीं आ जाएगी ना? ना 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 ना। अरे क्या तुमने बाकेलाल शर्मा को बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हारा पति इतना बेवकूफ नहीं है। अरे मैं बोल कर आया हूँ के बिठा कर खिलाओ, और अगर भागने की कोशिश करे तो मार देना। और वैसे भी हमें उस बुढ़िया की मौत से क्या लेना देना, हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है, केदारनाथ, अमरनाथ और मुकुंद प्रसाद चौरसिया को खामोश रखना। समझ गई ना अपने हिसाब से? अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। हाँ हाँ नैना, जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। बाप रे बाप, खुशी के मारे तो मेरी भूख ही मिट गई थी।
अब लगी है भूख, अब खाऊंगा अपने हिसाब से। आप ठीक तो है ना? ये बोतल तो टूट गई। अच्छा हुआ आप आ गए। वैसे हुआ क्या था? देखिए ना, मैं दवा की शीशी लेने गई थी, उन लोगों ने मुझे धक्का मारा और शीशी टूट कर गिर गई। ओ। अब फिर मुझे वो आयुर्वेद की दुकान पे जाना पड़ेगा। अरे ये तो पाचन वृद्धि की दवा है, इसके लिए आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? ये तो पास ही में दवा की दुकान है, वहां मिल जाएगी। मैं अक्सर अपनी दादी माँ के लिए खरीद के ले जाया करता था, पेट के लिए काफी अच्छी होती। चलिए मैं आपको दवा दिलवा देता हूँ और फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, थैंक यू। और वैसे भी मुझे अकेले जाने की आदत है। वो तो आप आ गए, नहीं आते ना, मैं ऐसे लोगों को छोड़ती नहीं हूँ। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शावनी, ये लो मोबाइल, तुमने मंगवाया था ना? बहुत अच्छा मोबाइल है ये। अच्छा, सुरभि को पसंद आ जाएगा। सुरभि, तुमने ये मोबाइल सुरभि के लिए मंगवाया? हाँ, कल वैभव ने तोड़ दिया था ना उसका मोबाइल। अब मोबाइल की जरूरत तो उसको पड़ेगी ना, कॉलेज जाती है, घर से बाहर रहती है, सुरभि की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। श्रावणी, तुम समझती क्यों नहीं, हम सुरभि के जरिए मुकुंद प्रसाद को मजबूर करना चाहते हैं और तुम्हारा ये अपनापन हमें माँ से और दूर कर देगा। अपनापन कभी भी किसी को दूर नहीं करता, बल्कि और करीब लेकर आता है। प्यार और अपनेपन से बात बिगड़ती नहीं है, बल्कि बनती है। श्रावणी, तुम्हारा सोचना तो बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए तो पूरे परिवार को मैंने एक सूत्र में बांध कर रखा है। लेकिन अब जिसे देखो सुरभि से नफरत करता है, पूरा परिवार उससे नफरत जताता है, यहाँ तक कि वैभव भी उससे नफरत करता है। सही तो है, उसने काम ही ऐसा किया। क्या किया है उसने? वो यहाँ पढ़ने के लिए आई है, अपना भविष्य बनाने के लिए आई है। उसने नहीं कहा था कि वो इस परिवार की बहू बने, हमने मजबूर किया था उसे। दरअसल श्रावणी, तुम सबको अपने जैसे समझते हो। हाँ, ये बात सच है कि हमने उसे बहू बनने के लिए जरूर कहा था, लेकिन अगर वो सच्ची होती तो उसने ये बात हमसे क्यों छिपाई कि वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया के रिश्तेदार है। अब किस बात की सजा देना चाहते हैं उसे? इस बात की कि वो मुकुंद प्रसाद के रिश्तेदार हैं, या इस बात की कि उसने हमें सच्चाई नहीं बताई, या फिर इस बात की कि वो उन लोगों से मिली हुई है? श्रावणी, वो उन लोगों से मिली हुई है, तभी तो वो सच्चाई नहीं बता रही। ये आदमी छाती रहे,
और मामला 10 लाख का है, और हो सकता है 1 महीना गुजारने के बाद ये कुछ भी देने से मना कर दे। दर्द का रिश्ता होता है। शामनी, वो उन लोगों से मिली हुई है, तभी तो वो सच्चाई नहीं बता रही। देखिए, वो कितनी दोषी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात से जरूर डर लगता है कि कहीं हम अनजाने में उस मासूम सी बच्ची का दिल दुखाने का गुनाह तो अपने सर नहीं कर रहे। पर अभी भी वो एक अच्छी बहू होने का फर्ज किचन में रहकर निभा रही है। अब इस तरह दोनों को मजबूर भी नहीं किया जा सकता जिन्होंने हमारी मां को कैद करके रखा हुआ है। भैजी, ये बांके लाल कुछ ज्यादा ही घाक और साथ ही राज में लग रहा था। मेरे साथ कौन सी शातिर चाल चलेगा वो? जब तक ये माँ जी यहां पर है उसे इतना तो करना ही पड़ेगा, जो डील हुई है वो तो उसे देना ही पड़ेगा। वही तो कह रहा हूं भैजी, मैं जो डील हुई है वो पैसा तो निकाल लीजिए। ये आदमी किसी वजह से बस महीना गुजारना चाहता है, और उसे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि माता जी जिंदा रहे या मर जाए। माता जी हमारे कब्जे में जरूर है, लेकिन आप उसे ये कहकर भी धमका नहीं सकते कि हम उसे मार देंगे, क्योंकि उसने पहले से ही कह रखा है कि अगर जरा भी गड़बड़ करे तो उसे मार दो। बात तो तुम ठीक कह रहे हो सुनील, ये आदमी छातिर है और मामला 10 लाख का है, और हो सकता है 1 महीना गुजारने के बाद ये कुछ भी देने से मना कर दे। और अगर उल्टा आपको इसने किडनैप के जुर्म में फंसा दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तुम्हारी बात तो ठीक है सुनील, लेकिन वो पूरा पैसा देने के लिए 1 महीने बाद बोला है, और मैंने उसकी बात मान भी ली है। भैजी, 1 महीने बाद तो उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी और आप मजबूर हो जाएंगे। आज आप मजबूर नहीं हैं, वो मजबूर हैं। जितने पैसे हो सकते हैं निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे उस आदमी पर कोई भरोसा नहीं है। भैया, बरखा कहाँ चली गई थी तुम? वो माँ जी के लिए दवा लाने गई थी। बुजुर्ग है ना बेचारी, और हमें ख्याल रखना है उनका, इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। भैया बताया आज क्या हुआ? आज रास्ते में 3 लड़के मिले थे। 3 लड़के? हाँ। उन्होंने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? एक ने तो मुझे धक्का भी मारा, और दवाई की शीशी भी टूट कर गिर गई थी। सुनील, पता करो कौन है वो 3 लड़के। ठीक है भाई, पता लग जाएगा। कहाँ मिले थे तुम्हें? वो सूखी नदी रोड के पास। लेकिन भैया आप परेशान मत हो, मैंने उन्हें खुद सबक सिखा दिया। पता है एक लड़के ने भी उन्हें खूब मारा, और मैंने भी बहुत मारा। फिर भी पता तो लगाना ही होगा कि ये लोग हैं कौन। सुनील, पता लगाओ कि ये कौन है। उन तीनों को भी तो पता चलना चाहिए कि बरखा किसकी बहन है। ठीक है भाई, पता लग जाए। जाओ बरखा, संभल के मेरी बहन। अच्छा भैया, मैं माँ जी को दवा दे के आती हूँ। ठीक है? ठीक।
ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। ये दिल जीतने के कोई तरीके काम नहीं आने? क्यों सबके नफरत की वजह बनती जा रही है तुम? इस तरह करके इस घर में किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी तुम। मुझे नहीं मालूम कि मैं किसी के दिल में जगह बना पाऊंगी या नहीं। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मेरा फर्ज है। फर्ज? हाँ, ये फर्ज की दुहाई तो तुम किसी और को देना। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम कौन सा फर्ज निभा रही हो यहाँ। कुछ नहीं पता है आपको, बस एक गलत फैमिली के साथ चल रहे हैं आप। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि जल्द ही ये गलत फैमिली की धुंध हटेगी। कभी तो नहीं, तब हटेगी जब दादी माँ को वापस इस घर में लाया जाएगा। माँ, ये क्या लेकर आई? ओहो, मोबाइल। हाँ हाँ, दे दीजिए। दर्द का रिश्ता होता है। कभी तो नहीं, तब हटेगी जब दादी माँ को वापस इस घर में लाया जाएगा। और मैं भी देखता कि मुकुंद प्रसाद और चंदन मेरी दादी माँ को कब तक कब्जे में रखते। और तुम्हारी बदनसीबी यह है कि उनके गुनाहों की सजा तुम भुगतोगी। अरे माँ, ये क्या लेकर आई? ओहो, मोबाइल। हाँ हाँ, दे दीजिए, ताकि यहां की खबर वहां सुनाकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। दे दीजिए। वैभव, मैं ये तो नहीं जानती कि सुरभि अच्छी है या बुरी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर जानती हूँ कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि तुम भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर रहे हो। बेटा, गुजरे हुए कल के लिए आने वाले कल को बर्बाद नहीं किया जा सकता। और बेटा, सुरभि तुम्हारा आने वाला कल है। ये लो सुरभि, तुम्हारे लिए मोबाइल। इसमें अपना सिम डाल लेना। इस घर में मेरे साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मेरे फूफा जी हैं। तुम्हारी जो औकात कल तक थी ना, आज भी हमारे सामने तुम्हारी औकात भरी है। जब से देख रहा हूं लगातार कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। सुरभि मुझे क्या रोकेगी, वो तो खुद कुछ दिनों की मेहमान है।